बिस्मिल्लाह रहमान रहीम नहमदुहु वनसल्लि अला रसूलिल करीम। डियर स्टूडेंट्स, कंसंट्रेशन ऑफ मेटल के बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे डिफरेंट प्रोसेसेस के जरिए। उन प्रोसेसेस में पहला प्रोसेस है रोस्टिंग। कुछ मिनरल्स को उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं जब उसको हम हीट करते हैं एयर, ठीक है, बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। उसको कंप्लीटली मेल्ट नहीं करते बल्कि मेल्ट उसके मेल्टिंग टेम्परेचर से बिलो, उससे कम कम टेम्परेचर पर उसको हीट करते हैं, तो वो एयर में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है और उससे ऑक्साइड बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जिंक सल्फाइड और है, उसको जब हम हीट करते हैं बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट तो वो जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। सिमिलरली जो सिनाबार है वो भी इस प्रोसेस में, इस रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाता है मर्करी में प्लस सल्फर डाइऑक्साइड में। सिमिलरली कॉपर पाइराइट और जो है वो, उसको हम जब मेल्टिंग पॉइंट से कम कम टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो उससे कॉपर सल्फाइड, आयरन सल्फाइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बन जाते हैं। लेकिन अब देखें, ये कम्प्लीटली ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुए, इसको हम फर्दर कन्वर्ट करते हैं ये कॉपर सल्फाइड और आयरन सल्फाइड। ये जो है कॉपर सल्फाइड और आयरन सल्फाइड, इसको हम फर्दर कन्वर्ट करते हैं, फर्दर ऑक्सीडाइज करते हैं, ठीक है, और उसको हम सेपरेट करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। द नेक्स्ट स्टेप इज स्मेल्टिंग। इसमें हम मेटल आयंस को रिड्यूस करते हैं, उससे ऑक्सीजन रिमूव कर लेते हैं, यानी जो ऑक्साइड बने थे, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल सल्फर और जिंक ऑक्साइड बना था, इनसे हम क्या कर लेते हैं, इस को रिमूव कर लेते हैं, उसको रिड्यूस करके फ्री मेटल में कन्वर्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट और कौन सा, प्योर कार्बन कोक है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, और भी कई पाए जाते हैं। सो उनके साथ रिएक्ट करके फ्री मेटल्स में हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं और साथ में बाई प्रोडक्ट्स भी बनते चले जाते हैं, ठीक है। सो द मेथड in which reduction of metal reduction of ore occurs into free metal, ठीक है, इन जिसमें हम ओर को रिड्यूस करके मेटल आयन बना देते हैं, उसको मेटल आयन में रिड्यूस कर लेते हैं, इसको हम स्मेल्टिंग कहते हैं। लेकिन जो कॉपर ओर है, ये जो बनाता कॉपर सल्फाइड, ठीक है, प्लस अलॉन्ग विद आयरन सल्फाइड, इसको हम मजीद दो प्रोसेस स्टेप्स में सेपरेट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो रोस्टेड कॉपर, ये कॉपर सल्फाइड जो है, इसको हम कोक के साथ और सैंड के साथ हीट करते हैं, यानी ये कॉपर सल्फाइड और कोक और सैंड, इन तीनों के मिक्सचर को हम 11 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं। जैसे ये सारे मटेरियल्स मेल्ट हो जाते हैं तो उनसे दो लेयर्स बन जाती हैं, एक बॉटम लेयर जिसमें कॉपर सल्फाइड और आयरन सल्फाइड का मिक्सचर होता है, ठीक है, इसको हम मैट कहते हैं, अभी तक सेपरेट नहीं हुआ, कॉपर और आयरन सल्फाइड के मिक्सचर को मैट कहते हैं, वो नीचे वाली लेयर में आ जाती है, जबकि अपर लेयर में सिलिकेट स्लैग बन जाता है। सिलिकेट स्लैग कैसे बनता है कि आयरन सल्फाइड जो था, यानी इधर से आयरन सल्फाइड भी आया था, ठीक है, और कॉपर सल्फाइड भी आया था, कोक भी था और सैंड भी था, तो आयरन सल्फाइड ऑलमोस्ट 50% आयरन सल्फाइड जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बना लेते हैं। यही आयरन ऑक्साइड दोबारा सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके सिलिकेट स्लैग बना लेते हैं। हम स्लैग को रिमूव कर लेते हैं, इसको क्या कर लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं। नाउ ये जो मैट है, मैट इसको हम बिस्मर कन्वर्टर में एड कर देते हैं, ठीक है, यानी मैट जो बना था, मैट में क्या था वाला, इन दोनों का मिक्सचर था, कॉपर सल्फाइड और आयरन सल्फाइड का मिक्सचर था, ठीक है। इस मैट से, जो मोल्टन कॉपर मैट है, इसमें हम एयर, हॉट एयर ब्लो करते हैं, बहुत ज्यादा हॉट एयर होती है, उसको हम ब्लो करते हैं। अब चूंकि इसमें दो चीजें हैं, याद रखें, एक आयरन सल्फाइड और एक कॉपर सल्फाइड, ये कॉपर सल्फाइड और आयरन सल्फाइड, ठीक है, Cu2S एंड FeS, कॉपर सल्फाइड और आयरन सल्फाइड। नाउ रिमेम्बर, इसमें जो आयरन सल्फाइड पोर्शन था बिस्मस कन्वर्टर में,
यानी जब हमने मेट ऐड कर दिया, आयरन सल्फाइड ऐड कर दिया, कॉपर सल्फाइड ऐड कर दिया, तो जिसमें आयरन सल्फाइड का पोर्शन था वो इस प्रोसेस के जरिए यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड दोबारा सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके सिलिकेट स्लैग, ये कन्वर्ट करके इसको हम दोबारा फिर रिमूव कर लेते हैं। बाकी क्या बचा? कॉपर सल्फाइड Cu2S बच गया। उसका क्या होता है? उसको हम कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेते हैं। किस रिएक्शन में? इस ये जो कॉपर सल्फाइड बनाता Cu2S, उसको हम ये ऑटोमेटिकली एयर की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है, पहले कॉपर ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, और कुछ जो है ना कॉपर सल्फाइड इन इसके साथ, यानी ये कॉपर ऑक्साइड जो है वो रिमेनिंग कॉपर सल्फाइड के साथ रिएक्ट करके प्योर कॉपर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बना जाता है। ठीक है, इसको हम ब्लिसर कॉपर कहते हैं। 97 से 99% प्योर कॉपर होता है। ठीक है, इसको हम ब्लिसर इसलिए कहते हैं कि उसमें बबल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड कैप्चर होते हैं, इंट्रैप्ड होते हैं। ठीक है, सो बेसिकली अगर आपने डेयरी मिल्क बबली देखी होगी, डेयरी मिल्क बबली, तो उसमें बेसिकली होता क्या है कि ऐसे स्पंज टाइप होता है, बीच में पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं। ठीक है, कंप्लीटली सॉलिड फॉर्म में नहीं होता बल्कि सेमी सॉलिड स्पेसेस उसके अंदर होती हैं। इसको हम बेसिकली ब्लिस्टर एग्जांपल आप समझ लें डेली लाइफ में। सो कॉपर इस तरह डेयरी मिल्क बबली जो होती है उसकी तरह होता है, और उसमें सल्फर डाइऑक्साइड के गैस मॉलिक्यूल्स इंट्रैप्ड होते हैं। ठीक है, इस तरह बिस्मराइजेशन या बिस्मर कन्वर्टर को हम प्योर आयरन को हम स्टील में भी कन्वर्टन के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो उसके बाद हमारे पास है रिफाइनिंग या प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। इसको हम काफी डिटेल से डिस्कस करेंगे लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।